Hello students, how are you? Hope you all are fine. Welcome to our channel Socio Genius. बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है आवर कंट्री, इसका मतलब है हमारा देश। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर कंट्री एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एंड व्हाट आर सम स्पेशल थिंग्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री। So let us start our chapter. In the olden days, people live in kingdoms. बहुत पुराना साल पहले, पुराना जमाने में लोग किंगडम में रहते थे, मतलब जहाँ पे किंग रूल करते थे, ठीक है। So a king or queen ruled over each kingdom. और वहाँ पे राजा या रानी वहाँ पे अपना साम्राज्य चलाते थे। Now we have countries. अभी हम लोगों का different types of countries है। ए कंट्री में और मे नॉट हैव अ किंग और क्वीन। अभी जो हमारा देश है या डिफरेंट कंट्रीज है वहाँ पे कहाँ पे किंग है और नहीं भी है, किंग और क्वीन हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया। तो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, पता है उसका नाम क्या है? पता नहीं ना, उसका नाम है इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत। तो इंडिया इज रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड द गवर्नमेंट। जो ये इंडिया हमारा देश है, इस कैसे चलता है ना, बहुत सारे एक ग्रुप बनाते हैं एंड जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। सो इट इज रन बाय द गवर्नमेंट। द पीपल ऑफ आवर कंट्री चूज द गवर्नमेंट। हमारा देश के कुछ लोग हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं, जो आप लोग बड़े क्लास में जानेंगे कैसे हमारा गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो अभी के लिए खाली आप इतना ही जानिए, इट इज दैट आवर कंट्री इज रूल्ड बाय द गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल सिटी। तो हमारा कैपिटल का नाम क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, तो आवर गवर्नमेंट रूल्स द कंट्री फ्रॉम दिस सिटी। तो फ्रॉम दिस सिटी आवर गवर्नमेंट रूल्स आवर कंट्री। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री। हमारा देश बहुत बड़ा है, विथ मेनी पीपल, और यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स एंड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे कि मैं बोली कि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लैंग्वेज यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स भी पहनते हैं एंड देयर वे ऑफ टेकिंग फूड और ईटिंग फूड इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स। सो आवर कंट्री इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। सो हमारा जो भारत जो देश है हमारा, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इट हैज माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, सीज, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट। हमारा देश में बहुत सारा माउंटेन्स है, हिल्स है, रिवर्स, सीज, फॉरेस्ट, डिजर्ट, मेनी थिंग्स आर इन आवर कंट्री। सो इट इज होम टू मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। As it is having forest and hills, so many kinds of animals also live in these areas, and also we found that different types of plants are also seen in the forest. So every country has a national flag. आप right side left side picture में देखिए हमारा flag का color कैसा है, ये है हमारा flag. So we have as different countries have different types of flag, India is also having its own flag, जो जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिरंगा और tricolor. We have one too, so हमारा भी flag है and it is our national flag. Many countries also have a national animal, a national bird, a national flower and so on. खाली हमारा नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स, नेशनल एनिमल उनके होते हैं, बर्ड्स होते हैं एंड फ्लावर्स भी होते हैं। उसको छोड़ के और भी बहुत सारे चीज़ है जो सब कंट्री का अपना अपना अलग अलग होता है। तो दीज आर द थिंग्स द कंट्री इज नोन बाय। इसी से एक कंट्री का नाम या फिर जाना जाता है। जैसे हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, नेशनल बर्ड है पीकॉक एंड नेशनल फ्लावर लोटस है। सो इट इज इट्स सिम्बलाइज दैट इट इज द कंट्री नेम इंडिया। सो आवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर,
आवर नेशनल बर्ड इज द पीकॉक एंड आवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस. सो आवर नेशनल एंथम इज जनगण मन. सो इट इज आवर नेशनल एंथम. इट इज अ सॉन्ग वी सिंग और प्ले एट स्पेशल टाइम्स. ये जो गाना है हमारा जनगण मन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एंथम, इट इज सॉन्ग व्हेन देयर इज सम स्पेशल टाइम लाइक व्हेन वी आवर नेशनल्स नेशनल व्हेन आवर कंट्रीज फ्लैग इज रेस्ट. जब हमारा देश का फ्लैग रेज होता है, या सपोज इंडिपेंडेंस डे हुआ, नेशनल फेस्टिवल्स हुआ, कुछ सम नेशनल इवेंट्स हुआ, देन ओनली वी कैन रेज आवर नेशनल फ्लैग एंड वी ऑल्सो सिंग आवर नेशनल एंथम. सो वी स्टैंड व्हेन आवर नेशनल एंथम इज सॉन्ग और प्लेड टू शो दैट वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. जब ये नेशनल एंथम चलता है तो वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू आवर कंट्री बाय गिविंग अ स्टैंडिंग सैल्यूट. ओके, सो इट इज वी स्टैंड टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग एंड वी ऑल्सो फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री. एज इंडिया इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स, एनिमल्स, फ्लावर्स एंड नेशनल एंथम, मेनी थिंग्स. सो वी फील डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज. सो वी फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री. द पीपुल ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड सो ऑन. सो वी फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड वी कैन प्राउडली से दैट इंडिया इज आवर कंट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर आवर कंट्री दैट इज कॉल्ड इंडिया. आप पिक्चर में देखिए, हमारा नेशनल एनिमल का पिक्चर दिया गया है टाइगर, नेशनल बर्ड है हमारा पीकॉक एंड नेशनल फ्लावर जैसे कि मैं बोली लोटस, ये सब पिक्चर आपको दिखाया गया है. तो अबव ऑल वी हैव आवर नेशनल फ्लैग ऑल्सो which we should give respect to our national flag. If we will give respect to our flag, it means that we are giving respect to our country. So this is all about your chapter, that is our country. So from this lesson we came to know that India is the name of our country, its capital is New Delhi, and it is having different types of mountains, hills, rivers, seas, forests, deserts. It is also a place to different types of animals and birds. We have different national animals, birds, flowers, etc. And we sing our national anthem in special occasions. And we should feel proud of our country. So this is all about your chapter. I think this chapter is clear to you. And there are some difficult words which are underlined in this lesson. And your task is to learn these difficult words. Now we will discuss the meaning of some new words. So have a look on it. First one is kingdom, which means an area ruled by a king or a queen. Second is government, it means a group of people that runs a country. And third one is capital, which means the town or city from where a country is run. So this is all about the meaning of some new words. So if you like this video, then subscribe to our channel. Link to the exercise question answers and chapter is given in the description below. Thank you for watching.